अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। वेलकम टू एस डी एम एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट गुजराती एंड एसे मातृ प्रेम। टुडे वी आर डूइंग अनदर एसे मातृ प्रेम, द लव ऑफ मदर। फर्स्ट आई विल रीड एसे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, माँ बाड़क ने जन्म आपे छे, तेनू पालन पोषण करे छे, ते बाड़क ने नवड़ावे खवड़ावे अने तेने नवा नवा कपड़ा पहेरावे छे, ते बाड़क ने अढ़ड़क वहाल करे छे, ते जरूरी बधी वस्तुओ तेने लावी आपे छे, ते तेने फरवा लई जाय छे, पोतानू बाड़क सारूं भणे तेनी ते काळजी राखे छे, ते बाड़क ने सारी सारी वार्ताओ कहे छे। बाड़क मांदू पड़े त्यारे माँ रात दिवसना उजागरा वेठीने बाड़कनी सेवा करे छे। माँ पोताना संतानोनी सेवा कोईपण स्वार्थ वगर करे छे, एनी एक ज इच्छा होय छे कि मारू बाड़क सुखी थाय। जननीनी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, यानी कि माँ, जननी यानी माँ, माता, जनेता, बराबर उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, एंड वी नो दैट, बराबर हमारे हर रिलेशन का हमको ऑप्शन मिल जाएगा, पर ये रिलेशन, पेरेंट्स, इनका ऑप्शन, इनका हमें कहीं भी अल्टरनेटिव नहीं मिलने वाला। सो रिस्पेक्ट देम, केयर फॉर देम, ओके। माँ बाड़क ने जन्म आपे छे, वो माँ क्या करती है, बच्चे को पैदा करती है, तेनु पालन पोषण करे छे, उसको अच्छे से पालती है, बाड़क ने नवड़ावे खवड़ावे, तेने नवा नवा कपड़ा पहरावे छे, माँ हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती है। सुबह से हम उठते हैं रात को सोने तक हर चीज़ का, खिलाना पिलाना, हमारे कपड़ों का ध्यान रखना, अगर हम बीमार हैं तो हमारा ध्यान रखना, वो सब चीज़ें छोड़ के हमारा ध्यान रखती है। ते बाड़क ने अढ़ड़क वहाल करे छे, बहुत प्यार करती है, ते जरूरी बधी वस्तुओं तेने लावी आपे छे। हम हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों के लिए माँ को बोलते, मम्मी ये ला दो, मम्मी वो ला दो, मम्मी अभी देखो ऐसा है, मुझे ऐसे ये चीज़ की ज़रूरत होगी, हम बोलते हैं और वो हर ज़रूरत हमारी पूरी करती है। ते तेने फरवा ले जाए छे, घूमने भी जाते हैं, घूमने ले जाते हैं हमें, पोतानू बाड़क सारू भणे तेनी ते काळजी राखे छे। और हमेशा मदर क्या करती है, हम अच्छे से पढ़े, वो क्यों बोलती है, अब पूरा दिन मैं आपको 10 बार बोलेगी, होमवर्क किया आपने, होमवर्क किया, बराबर, डिड यू डन योर होमवर्क, बराबर, क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा एजुकेशन अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा होगा तो हम सोसाइटी में एक अच्छे इंसान बनेंगे। ते बाड़क ने सारी सारी वार्ताओं कहे छे, स्टोरीज सुनने मिलती है, उनकी खुद के स्टोरीज कभी वो सुनाती है, या तो फिर कभी वो हमको उनकी वो जब पढ़ी थी जब की स्टोरीज सुनाती है, बराबर अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने मिलती है। बाड़क मांदू पड़े त्यारे माँ रात दिवसना उजागरा बैठी ने बाड़कनी सेवा करे छे। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे आसपास माँ ही होती है, मदर ही होती है, मॉम ही होती है, और हम मॉम को ही बूम पाड़ते, बराबर हम भी वही चाहते हैं कि वो हमारे आसपास ही रहे, है ना, वी वॉन्ट कि वो हमारे आसपास ही कहीं रहे। माँ पोताना संतानोनी सेवा कोई पण स्वार्थ वगैरह करे छे, माँ इतना सारा करती है सुबह से लेके शाम तक, बराबर कोई पेएबल सर्विस नहीं है माँ की, बराबर कि हम उसको पेमेंट करते हो या वगैरह, नहीं, सेल्फलेसली कर रही है वो, बराबर, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है माँ हमको। एनी एक ज इच्छा होय छे कि मारू बाड़क सुखी थाय, और वो क्या सोचती है कि बस मेरा बच्चा कैसा हो, सुखी हो, खुश रहे, एक अच्छी लाइफ वो स्पेंड करे। बाड़क क्यारे रड़े तोफान करे, माँ ने पजवे, कोई वस्तु माटे जीत करे, त्यारे माँ तेने प्रेम थी समझावे छे। हम कभी रोते हैं, तूफान करते, मस्तियाँ करना अच्छा लगता है ना, हम नोटोरियस टाइप, बराबर, तो माँ भी थक जाती है ना, पर क्या करती है, कोई चीज़ के लिए हम ज़िद करते नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, पर माँ क्या करती है, हमको समझा लेती है, और क्या एक माँ तेने शिक्षा पण करे छे, और कभी हमको पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट हो इसका मतलब यूँ नहीं है कि माँ हमें प्यार नहीं करती, उसकी पनिशमेंट के अंदर उसका प्यार छुपा हुआ है, वो हमें अच्छा इंसान बनते देखना चाहती है, इसलिए वो हमारी ज़्यादा की जो ज़िदें हैं वो पूरी नहीं करती, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने। ते वखते पण तेना हृदय में तो बाड़क माटे अनहद प्रेम ज होय छे, वो प्यार करती है, वो हमें डांटती है, हर चीज़ में उसका प्यार है, बराबर। अभी हमको ऐसा लगता है, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मामा तो डांटा करती है पूरा दिन, ये करो वो करो, पर कभी गौर करना बैठकर कि मामा ऐसा क्यों बोलती है आप लोगों को। गांधीजी ने शिवाजी महाराज तेना महापुरुषों घड़तर में तेमनी माताओं घणो मोटो फाड़ो रह्यो छे, फादर ऑफ नेशन, द अदर वन इज शिवाजी महाराज, बराबर, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे हिस्ट्री में जाने माने सेलिब्रिटी गिने जाते हैं,
बराबर। तो इनको इस तरह पाला गया था ताकि ये इतने महान हुए। इनकी माँ, इनकी जो मदर थी, उन्होंने इनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और उन्होंने इस तरह उनको ब्रॉटअप करा, उनको पाला इस तरह से, उनको इस तरह से उनको सोशलाइजेशन उनका ऐसा किया कि वो एक महान इंसान बन के सोसाइटी में आए और हिस्ट्री में नाम लिखा के गए। माँ बाड़क ने जो संस्कार आपी शके छे ते बीजा पासे थी तेने भाग्य ज मळे छे। हमको माँ जो सिखा सकती है वो हमको कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, सेकेंड अभी लेवल पे आप देखने जाओ तो वो टीचर है माँ के बाद, जो आपको लाइफ किस तरह से स्पैन करनी है, जीनी है, सोसाइटी में किस तरह से अच्छे से रहना है सिविलाइज्ड बन के, वो माँ के बाद टीचर सिखा सकती है। पर आप माँ के साथ ज़्यादा अटैच है, आप घर पर ज़्यादा टाइम रहते तो वो आपको माँ सिखाती है। एटलेज एक संस्कारी माँ 100 शिक्षकों करता पण चढ़ियाती छे एम कहवायू छे। संस्कारी माँ बराबर, एक अच्छी माँ जो है वो कई शिक्षकों करते अच्छी है कि जो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा सब बातें अच्छे से अच्छी बातें सिखाती है, हर बुराई से बचाती है। માતાની કેળવણીનો મહિમા ગાતા એક કવિએ કહ્યું છે કે જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગત પર શાસન કરે। કર યાની કે હાથ, ઝુલાવે પારણું યાની કે જો ઝૂલા ઝુલાતા હે વો જગત પે શાસન કરતા હે, ઝૂલા હંમેશા માં ઝુલાતી હે બરાબર, ઓર ઇસીલીએ વો હર તરફ છા જાતી હે। ગરીબમાં પેટે પાટા બાંધીને પણ બાળકને સારી રીતે ઉછેરે છે અને માના પ્રેમમાં ક્યારે ઓટ આવતી નથી। માં અમીર હો કે ગરીબ હો વો માં હી હોતી હે। अगर माँ गरीब भी हो तो खुद भूखी रहेगी पर बच्चों को खिलाएगी बराबर। उसके जो उसका जो प्यार है उसके तोल तो कोई भी नहीं आ सकता, उसकी कंपैरिजन तो कोई प्यार से नहीं हो सकती। माना अपना पण अनेक उपकार छे, उपकार है यानी हम पे बहुत एहसान है, हम और अपने तेनो बदलो वाड़ी शकीए एवा नथी, यानी हम उसका बदला कभी वाल सकते नहीं है, हम उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कर सकते हैं। सो माँ जो है उसकी केयर करनी है, माँ की रिस्पेक्ट करनी है और माँ से बहुत सारा प्यार करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।